एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि तिंगजून को होश आ चुका था, तभी उसका असिस्टेंट आकर उसे माफी मांगने लगता है। वो कहता है कि मैंने आपसे गद्दारी नहीं की है, मुझसे क्वीन ने फोर्सफुली ये करने को कहा था, प्लीज मास्टर आप मुझे माफ कर दीजिए। तिंगजून उसे पूछता है कि क्वीन कहाँ है। इस पर वो बताता है कि वो यीफुलिन के फादर को एग्जीक्यूट करने लेकर गई है। इधर फेंग तियानी अपने साथियों के साथ उस जगह पहुँच चुका था जहाँ क्वीन जीसू को एग्जीक्यूट करने लेकर गई थी। यहाँ वो सभी देखते हैं कि हुआन जिंग ने उन्हें जो वेपन दिया था वो खराब है। इस पर वो सभी अपने अपने स्वॉर्ड लेकर ही आगे बढ़कर क्वीन के सोल्जर्स से फाइट करने लगते हैं, पर क्वीन के सोल्जर्स काफी ज्यादा थे जिस पर वो सभी थोड़ी ही देर में पकड़े जाते हैं। पर तभी वहाँ यीफुलिन हुआन जिंग के साथ आ पहुँचती है। वो क्वीन से अपने फादर को छोड़ने की रिक्वेस्ट करती है, जिस पर क्वीन कहती है कि अगर तुम तिंगजून से शादी कर लोगी तो मैं तुम्हारे फादर को छोड़ दूंगी। इस पर यीफुलिन कहती है कि ठीक है, मैं प्रिंस तिंगजून से शादी करने के लिए एग्री हूँ। इस पर क्वीन उसे अपने पास बुलाकर एक सोने का ताज पहनाती है, जिस पर यीफुलिन फुर्ती से क्वीन पर हमला करके उन्हें होस्टेज बना लेती है। इधर तिंगजून जल्दी जल्दी जीसू को सेव करने के लिए निकल रहा था, तभी वो देखता है कि एक मेड क्वीन के रूम के बाहर खाना रखकर जा रही है और रूम के दरवाजे पर दो गार्ड्स पहरा दे रहे थे। ये देखकर उसे शक होता है तो वो गार्ड्स को बेहोश करके रूम के अंदर जाता है। वहाँ वो देखता है कि जीसू पहले की तरह ही कैद था। इस पर वो समझ जाता है कि क्वीन यीफुलिन को पकड़ने के लिए किसी बहरूपियों को यीफुलिन का फादर बनाकर ले गई है। वो जल्दी जल्दी यीफुलिन को बचाने निकल पड़ता है। इधर यीफुलिन क्वीन को होस्टेज बनाकर अपने फादर को छोड़ने के लिए कहती है, जिस पर क्वीन जीसू बने बहरूपियों को छोड़ देती है। हुआन जिंग उसे लेकर जाने लगता है, तभी क्वीन भी खुद को छुड़ा लेती है, जिस पर फेंग तियानी और उसके साथ ही रॉयल सोल्जर से फाइट करते हुए वहाँ से भागने लगते हैं। यीफुलिन भी हुआन जिंग के साथ जीसू बने बहरूपियों को लेकर जा रही थी। इतने में वहाँ तिंगजून आता है और वो जीसू बने बहरूपियों को तीर से मार देता है। ये देखकर यीफुलिन शॉक्ड रह जाती है, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि तिंगजून उसके फादर को मार देगा। तभी फेंग तियानी यीफुलिन को लेकर वहाँ से जाने लगता है। हुआन जिंग उन्हें भगाते हुए सारे सोल्जर से अकेला ही फाइट करता है, पर नतीजे में वो पकड़ा जाता है। क्वीन की असासिन गर्ल उसे अरेस्ट कर लेती है। फेंग तियानी के सारे साथी भी वहाँ से भाग निकले थे। इधर फेंग तियानी और यीफुलिन भागते भागते एक पहाड़ी पर पहुँचते हैं जहाँ से आगे जाने का रास्ता खत्म हो चुका था। पीछे रॉयल सोल्जर्स उन्हें पकड़ने के लिए आ रहे थे, तभी फेंग तियानी हुआन जिंग की बनाई फ्लाइंग मशीन ओपन करता है और वो यीफुलिन को साथ लेकर उड़ता हुआ दूर जाने लगता है। यहाँ यीफुलिन देखती है कि फेंग तियानी जख्मी है। एक्चुअली फाइट के दौरान यीफुलिन को सेव करते हुए उसे एक तीर लग गई थी। जख्मी होने की वजह से वो उड़ नहीं पाता और नीचे गिर जाता है। उसके साथ ही साथ यीफुलिन भी नीचे आ गिरती है। क्वीन के सोल्जर्स चारों तरफ उन्हें ढूंढ रहे थे पर वो दोनों उन्हें कहीं नहीं मिलते। फीमेल असासिन ये बात जाकर क्वीन को बताती है तो क्वीन उन्हें किसी भी कीमत पर जिंदा या मुर्दा ढूंढ कर लाने का ऑर्डर देती है। इतने में वहाँ एक मैजिशियन आता है। वो कहता है कि मेरे पास एक मेडिसिन है जिससे जीवदाव पिल के इफेक्ट से बदला गया फेस दोबारा से पहले जैसा किया जा सकता है। इस पर क्वीन उसे वो मेडिसिन ले लेती है। मैजिशियन को लग रहा था कि उसे कोई बड़ा इनाम मिलेगा, पर क्वीन उसे अपने असासिन से वही मरवा देती है। इसके बाद वो उस मेडिसिन को ले जाकर जबरदस्ती जीसू को खिला देती है। थोड़ी ही देर में वो मेडिसिन अपना काम करना शुरू कर देती है तो क्वीन उसे मास्क पहनाकर वहाँ से चली जाती है। इधर हुआन जिंग को एक जगह पहुँचाया जाता है जहाँ सारी कैदी औजार और मशीनें ठीक करने का काम कर रहे थे। तभी कुछ लोहे के पुर्जों को देखकर हुआन जिंग के दिमाग में वहाँ से निकलने का एक आइडिया आता है। इधर क्वीन तिंगजून पर काफी नाराज थी क्योंकि उसने उनका सारा प्लान चौपट कर दिया था। वो उसे कहती है कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो तुम्हारे भले के लिए ही कर रही हूँ। अगर तुम थ्रोन के लिए इतने रिस्पॉन्सिबल रहोगे तो तुम फ्यूचर में एक रिस्पॉन्सिबल किंग कैसे बनोगे। तिंगजून कहता है कि मुझे किंग बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप किंग बनने के लिए किसी और को सिलेक्ट कर लीजिए, मैं अपने लाइफ अपने तरीके से जीना चाहता हूँ। इस पर क्वीन का गुस्सा आता है और वो कहती है कि ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो यही सही, पर इसके लिए तुम्हें वाटर मून पनिशमेंट से गुजरना होगा। अगर तुम जिंदा बच गए तो अपने लाइफ अपने तरीके से जी लेना। इस पर तिंगजून वाटर मून पनिशमेंट के लिए एग्री हो जाता है। इधर हुआन जिंग काम करते हुए कुछ लोहे के पुर्जों को चुरा लेता है और फिर वो जानबूझकर एक मोटे कैदी के पैर पर हथौड़ी गिरा देता है, जिस पर सारे कैदी मिलकर उसे पीटने चलते हैं। पर तभी सही टाइम पर वहाँ सोल्जर्स आकर हुआन जिंग को एक सेपरेट प्रिजन में ले जाकर बंद कर देते हैं। यहाँ हुआन जिंग अपने छुपाए पुर्जों को निकालता है
और वहाँ से निकलने के लिए दीवार तोड़ने वाली मशीन बनाने लगता है। इधर टिंग जून को वाटर मून पनिशमेंट दी जाती है, जिसमें एडवाइजर टिंग जून को एक काढ़ा पिलाता है, जिसे पीकर टिंग जून का माइंड हेलुसिनेट करने लगता है और उसे अजीब अजीब से विजन्स नजर आते हैं। टिंग जून इन सब से काफी ज्यादा जख्मी हो चुका था। बायान हुआ टिंग जून को बचाने की कोशिश करती है, पर काढ़े की वजह से टिंग जून के आसपास एक मैजिकल बाउंड्री बन चुकी थी, जिसके अंदर बायान हुआ नहीं जा सकती थी। क्वीन से भी अपने बेटे की यह हालत नहीं देखी जा रही थी, पर फिर भी वो अपनी जिद पर अड़ी रहती हैं। टिंग जून की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, पर वो शर्त के मुताबिक काढ़े के इफेक्ट के साथ एक घंटा सरवाइव कर लेता है, तो क्वीन उसे क्राउन प्रिंस की पोजीशन छीनकर उसे सिटी से निकाल देती हैं। इधर ये फुल इन जख्मी फेंग तियानी को लेकर एक जंगल में पहुंचती है। यहाँ फेंग तियानी उसे अपने और टिंग जून के प्लान के बारे में बता देता है। ये फुल इन अपने फादर को मरा हुआ समझकर सैड थी। वो फेंग तियानी को बताती है कि हम साउथ यूदो सिटी के रास्ते पर हैं। मुझे पता है कि यूदो सिटी विंग क्लैन वालों की कैपिटल है, अब तुम भी अपने घर जा सकते हो। यूदो सिटी का नाम सुनकर फेंग तियानी घबरा जाता है। तभी उसे किसी के आने की आहट सुनाई देती है, तो वो यी फुलिन को लेकर झाड़ियों के पीछे छुप जाता है। थोड़ी देर में वहाँ फेंग तियानी का साथी रूफ ही नजर आता है। फेंग तियानी उसे बाकी लोगों के बारे में पूछता है, तो वो बताता है कि सभी ठीक हैं और आपको ही ढूंढ रहे थे, पर अच्छा हुआ कि आप लोग यूदो सिटी की तरफ जा रहे हैं। इस पर फेंग तियानी यूदो सिटी जाने से इनकार कर देता है। तभी कुछ विंग क्लैन के असासिन्स आसमान में उड़ते हुए आते हैं और उन पर हमला कर देते हैं, जिसमें रूफ ए की मौत हो जाती है। ये देखकर फेंग तियानी यी फुलिन को लेकर भागने लगता है। ऊपर से असासिन्स लगातार तीर बरसा रहे थे, तभी वहाँ एक बैटल शिप आती है और उन असासिनों को मार गिराती है। उस बैटल शिप से विंग क्लैन के आर्मी का कमांडर पीयू निकलता है, जो कि वहाँ फेंग तियानी के आने का सुनकर उसे लेने आया था। यहाँ यी फुलिन उसे पूछती है कि अभी अभी जिन लोगों ने हम पर हमला किया था वो भी विंग क्लैन के ही थे, फिर वो तुम्हें मारना क्यों चाहते थे। फेंग तियानी उसकी इस बात का कोई जवाब दिए बिना स्टार शिप के अंदर चला जाता है। यहाँ आकर वो पीयू से कहता है कि इस लड़की को भी पैलेस पहुँचा दो। पीयू कहता है कि मैंने सुना है कि ह्यूमन क्लैन की क्वीन मिस यी फुलिन को रॉयल कंसर्ट बनाना चाहती हैं। ऐसे में इन्हें पैलेस ले जाना ठीक नहीं रहेगा, पर फेंग तियानी इस पर भी यी फुलिन को पैलेस पहुँचाने का ऑर्डर देता है। तो सभी स्टार शिप में बैठ कर पैलेस के लिए रवाना होते हैं। इधर टिंग जून एक रिमोट एरिया में मौजूद एक छोटे से घर में आ चुका था। वो यहाँ अपनी बॉडी में मौजूद तिलिस्म को निकालने की कोशिश करता है, जिसमें वो कामयाब नहीं हो पाता और खुद को जख्मी कर लेता है। इसी के साथ ये पार्ट एंड होता है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ, तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।